Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So if you are new here, hi, I am Sustava Roy. और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही गॉर्जियस दिवाली मेकअप लुक। तो आज का मेकअप लुक ना ही सिर्फ गॉर्जियस होने वाला है, बल्कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि कैसे आप स्वेट प्रूफ मेकअप भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लुक। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। आप अपना डेली यूज़ का जो मॉइस्चराइज़र है उसे अप्लाई कर ले अच्छे से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और इसे आपको अपने टी जोन पे अप्लाई करना है। फिर चलते हैं कंसीलर की तरफ। मैं यहाँ पे अपने अंडर आईज, अपने आईलिड्स और डार्क स्पॉट्स पे अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। और जो कि ये एक हाई कवरेज मेकअप होने वाला है, इसलिए यहाँ पे मैं कंसीलर को थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में ही अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक ब्लैक आई शेडो के मदद से हमारे आईब्रोज को फिल कर रहे हैं और इसके बाद हम ब्रश के साथ हमारे आईब्रोज को सेट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। और सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे पूरे आईलिड्स पे प्लेस कर रही हूँ रेड कलर। कुछ अलग से ट्रांजिशन शेड यहाँ पे नहीं मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये ग्लिटरी आईज़ होने वाला है। सो मैं अपने पूरे आईलिड्स पे ही इस रेड कलर को अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक कलर। पहले मैं यहाँ पे आउटर कॉर्नर में कलर को प्लेस करके फिर धीरे धीरे उसे इनर कॉर्नर की तरफ स्मज कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद बारी आता है ग्लिटर्स का। मैं अपने आईलिड्स के मिडिल पोर्शन में अच्छे से रेड ग्लिटर को लेके प्लेस कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ग्लिटर प्लेस करने के बाद ही पूरा जो आई लुक का एक आउटकम रहता है वो एकदम से चेंज हो जाता है और बहुत सुंदर लगता है देखने के लिए। सो दिस आई लुक इज़ परफेक्ट फॉर एनी ग्लैमरस एंड गॉर्जियस मेकअप लुक। नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं लाइनर। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ ड्रामेटिक आई लाइनर नहीं कर रही हूँ, जस्ट सिंपल एक छोटा सा विंग लाइनर मैंने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। जो जो स्टेप्स मैं हर एक मेकअप वीडियो में फॉलो करती हूँ, आज मैं वो स्टेप्स फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल ग्लोई और एक स्वेट प्रूफ मेकअप होने वाला है। तो इसके जो स्टेप्स है ये थोड़ा सा अलग है। तो ब्लश अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ अपने कंसीलर के ऊपर उसे अच्छे से सेट कर रही हूँ। फिर कॉम्पैक्ट पाउडर और ब्लश को अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि कुछ भी एक्सेस ना दिखे स्किन के ऊपर। यही वो ट्रिक है जिससे आपको एक फ्लॉलेस बेस मिलेगा, प्लस आपका मेकअप स्वेट प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। फिर इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं फाउंडेशन। जी हाँ, फाउंडेशन आपको एकदम लास्ट में अप्लाई करना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इन स्टेप्स में आप ये मेकअप करेंगे तो ट्रस्ट मी गाइस, आपका जो मेकअप है ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। प्लस आपका स्वेट भी बहुत कंट्रोल होगा, स्वेट प्रूफ मेकअप है। और अगर आपका ऑयली स्किन भी है तो इससे भी आपका मेकअप टस से मस नहीं होने वाला है। सो गाइस, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट मैंने अपने लोअर वाटर लाइन पर काजल अप्लाई किया है, जिसे मैंने एक एंगल्ड आईब्रो ब्रश की मदद से स्मच कर दिया है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है एक न्यूड कलर का लिप लाइनर, जिसे मैं लिपस्टिक की तरह ही अप्लाई कर रही हूँ। इससे लिप लाइनिंग प्लस लिपस्टिक दोनों का ही काम हो जा रहा है।
और फिर मैंने इस लुक को कंप्लीट किया बाय अप्लाइंग हाइलाइटर और फिक्सिंग स्प्रे, बट अनफॉर्चुनेटली वो पार्ट किसी कारण से शूट नहीं हो पाया। तो आप ज़रूर लास्ट में हाइलाइटर और फिक्सिंग स्प्रे से ही इस लुक को कंप्लीट करें। So this is the final look, and this is all about the festive glamorous makeup look, which is also sweat proof and glowy at the same time. So if this video was helpful, then do not forget to give a like, subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get the notification as soon as I upload a new one. Thanks for watching.